हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी ठीक है। चलिए आज करने ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज विक्की मैं और काशु जा रहे हैं वॉकवे मॉल, वहाँ किड जोन है, तो हमने सोचा काशु को थोड़ा एक्टिविटीज़ करा ले, कुछ फन करा ले, क्योंकि काशु ज़्यादा बाहर जा नहीं पाती है और यहाँ आजकल मौसम भी थोड़ा अच्छा सा नहीं हो रहा है, तो इसलिए ले जा भी नहीं पा रहे हम लोग। तो यहाँ आते ही काशु बोली कि मेरे को कार में बैठना है, तो उसमें हमने उसको बिठाया और बहुत ज़्यादा खुश हो गई उसमें बैठ के। तो मतलब वॉकवे मॉल वो फर्स्ट टाइम आई है, मैं उसको फर्स्ट टाइम लेके आए, तो कार में बैठ के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और वैसे भी उसकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने दो राउंड करे और मैं आपको उसकी डिटेल भी दे देती हूँ अगर आपको किसी को जाना हो तो। 50 रुपीज़ है दो राउंड के, नीचे का जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है उस फ्लोर पे ही वो दो राउंड आपको देंगे, जो आपको 50 रुपीज़ में होगा। हाय बोलो बाय। ये देखो बाय है छोटों का भी, सबका है। फिर हम काशु को ले गए टॉप फ्लोर पे जहाँ है किड्स एरिया, जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी है, तो यहाँ सारे गेम्स है, एक्टिविटीज हैं। तो सबसे पहले काशु उसमें बैठी हॉर्स वाले, हॉर्स राइड में जो है वो उसको देखते ही पसंद आ गया, तो उसमें बैठी आराम से। और मैं डर भी रही थी कि वो कहीं गिर ना जाए, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, जो कि होने चाहिए मेरे ख्याल से बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। ये तो इतनी शैतान है कि मुझे लग रहा था कहीं जंप ना कर दे। फिर सेकंड हमने इसको बैठाया ये बोट, मतलब एक एरोप्लेन टाइप का है, तो वो भी राउंड राउंड घूमता है। तो हमने देखा, मतलब दो चार हमने ऐसे गेम्स ट्राई की कि जो कौन सा इसके लिए अच्छे हैं, तो वो भी गोल गोल घूम रहा था, तो ये भी उसको ठीक लगा, पर उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बैठी। और आपको मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस अगर जो कोई नया है, जैसे मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो जैसे कोई नया है तो आप एक टोकन ले सकते हैं जिसमें आप गेम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 250 रुपीज़, 500, 1000 ऐसे अलग अलग टोकन है, जिसके अंदर आप गेम एक्टिविटीज़ करते रहिए और वो आपका डिडक्ट होता रहेगा। तो हमने 500 रुपीज़ का कूपन लिया और हमने उसमें काशु के बहुत सारे जो भी एक्टिविटीज़ थी गेम्स से, वो हमने कराए, तो वो आप नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच जाता है उसमें बैलेंस, तो 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। तो बस हम वही कर रहे थे और अब ये सेकंड वाले में ही वो घूम रही थी, और कुछ 2-3 मिनट का ही टाइम रहता है इसके बीच में। फिर काशु को हमने और चीज़ें एक्सप्लोर करवाई, हम देख रहे थे कि कौन सा उसके मतलब का है। तो बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ, और ये थर्ड वाले में हमने बैठाया, ये भी इसको कुछ खास पसंद नहीं आया। तो 2 या 3 मिनट का था शायद, ये 1 मिनट में ही उठ गई होगी, उसको पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने उसको दोबारा बैठाया और मतलब उसको ओवरऑल उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। फिर हमने ये वाला गेम ट्राई किया, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये काशु को बहुत पसंद आया, तो हमने 2 बार खेला। और वो क्योंकि छोटी है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, तो मैं भी उसके साथ खेलने लग गई, तो बहुत ज़्यादा हंस रही थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम लोग बस दोनों ही हम लोग फन करते हुए विक्की वीडियो बना रहे थे। मैंने उनको बोला कि तुम भी ट्राई करो, तो उन्होंने बोला नहीं तुम लोग करो। तो काशु को इस गेम में मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सबसे ज़्यादा एक हॉर्स राइड में और एक इसमें दो में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो हमने 2 बार ट्राई किया, अबे 5 मारे हैं तुमने अभी तक। तो उसके बाद हम वहीं बगल में एक DIY स्टोर करके हम वहाँ चले गए, तो हमने वहाँ देखी कुछ चीज़ें। और काशु को वहाँ एक चीज़ पसंद आई, ये है छोटी सी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उसकी फेवरेट है, मतलब घर पे भी अम्ब्रेला छोड़ती नहीं है, तो हमने उसके लिए एक अम्ब्रेला ले ली और वो बस उसको लेके ही बैठी हुई थी। तो फिर हम लोग आए थे बर्गर किंग में, हमने इसके लिए फ्राइज़ लिया, बर्गर लिया, पर इसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि इसको दोबारा से बैठना था कार में, तो बस ना उसको खाने पे ध्यान था ना कुछ था, और ना हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो फाइनल में मैंने उसको बोला चल तू नहीं खा रही तो तू मुझे ही खिला दे, तो केचप पे डिप कर करके मुझे खिला रही थी, मुझे केचप बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैंने खाया। और बाद में उसके पापा ने बोला कि बेटा मुझे नहीं खिलाओगे, तो अपने पापा को भी खिलाने जा रही थी। तो फिर उसके बाद हमने उसको फिर कार में बैठा, क्योंकि उसको उसमें बैठना था। और बस आज के हमने ये एक्टिविटीज़ करी, बहुत मज़ा आया बाहर जाके, काशु के साथ बहुत एंजॉय किया, काशु ने बहुत एंजॉय किया। तो आज का ब्लॉग एक करते हैं एंड, थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग, टाटा बाय।